कुछ नहीं है, सही हो जाएगा। अब देखियो एक कपड़ा है ना, हेलो जी, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ, थोड़ी थोड़ी सी अच्छी नहीं हूँ पर थोड़े दिन में हो जाऊँगी। और हाँ, आज मेरे को आप लोगों के साथ एक बात शेयर करनी है। कई दिन से सोच रही थी लेकिन बस मन में दबा के रखा था कि सही टाइम आने पर, मेरे अकॉर्डिंग जो सही टाइम आएगा तब मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। क्या है कि कई बार कई कमेंट्स मैंने ऐसे सुने हैं बहन भाइयों से और कभी कभी पढ़े भी हैं, क्योंकि ज़्यादा देर में फ़ोन नहीं यूज़ करती हूँ। ये जो नस है ना इधर की, इसमें काफ़ी ज़्यादा दर्द होने लग जाता है, तो बस कभी वीडियो बना पाती हूँ तभी बस कमेंट है वो एक आधे देख लिए तो देख लिए, सच बताऊँ तो कमेंट नहीं देख पाती मैं। पर हाँ, आप लोगों का दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने इतनी दुआएं करी मेरे लिए और इतने सारे कमेंट्स भर भर के कमेंट्स किए, तो मुझे अच्छा लगता है सही बताऊं कि इतना प्यार करते हो आप सब लोग मेरे को, इतना पसंद करते हो, तो बस आप सब लोगों का धन्यवाद। ठीक है, देखो मेरे हाथ भी जुड़ रहे हैं, अच्छी बात है ना। ये वाला हाथ थोड़ा सा, आप बताना कौन सी हाथ में प्रॉब्लम है ना। तो जी क्या कह रही थी मैं आपसे, हाँ ये वाला कमेंट आता है कई बार, आता है कि आपके हस्बैंड हैं वो इस टाइम पे आपके साथ क्यों नहीं हैं। तो बस आज मैंने सोचा कि आपको बता देती हूँ असली सच्चाई क्या है, कि जब हम यहाँ से रेफ़र हुए थे ना नारनौल में, तो मेरे साथ थे ये, और नारनौल से जयपुर गए थे तब भी ये मेरे साथ थे, और लगभग हम वहाँ 20-21 दिन रुके होंगे, मुझे याद नहीं है, तब तक ये मेरे साथ थे। और फिर हम बीकानेर आ गए तब भी मतलब ये आने का नाम नहीं ले रहे थे, और आप सब लोगों को पता है कि इनकी जो जॉब है वो प्राइवेट है, प्राइवेट टीचर हैं ये स्कूल में, तो कितने एक दिन रुक सकते हैं स्कूल के मालिक। और दूसरी बात, बच्चों की पढ़ाई थकती है नहीं, क्योंकि उनका अभी एग्ज़ाम चल रहे हैं, कोर्स कंप्लीट कराना होता है, रिवीजन होता है, फिर उसके बाद में एग्ज़ाम के टाइम पे कौन रखेगा, एक बात बताइए। तो इनको जो स्कूल के मालिक थे उन्होंने मना कर दिया कि आप भाई अब आपकी छुट्टी है, या तो आ जाओ या फिर छुट्टी आपकी। तो फिर इनकी मजबूरी हो गई और मैंने भी इनको फोर्स किया आने के लिए कि जी आप महेंद्रगढ़ जाओ और अपना स्कूल संभालो, यहाँ पे पूरी फैमिली है मेरे साथ उस टाइम तक, जीजू भी, रेनू भी और अर्जुन भी, मम्मी भी, मतलब सब लोग साथ थे। और जो कुछ मतलब मेरे को दुख था इस बात का कि मेरे पास मेरे बच्चे नहीं हैं, तो मम्मी पापा आए और वो बच्चों को भी छोड़ गए कि चलो इसका मन खुश रहेगा इसलिए, और फिर इनके मम्मी पापा के साथ ये भी वापस चले गए। ये मेरी मर्जी थी और इन्होंने बहुत बार मना किया लेकिन मैं नहीं मानी, तो मेरी मर्जी के अकॉर्डिंग, क्योंकि फिर इनको ये इस बात का डर लगता है कि जरा सी भी मैंने टेंशन ली तो बस मेरे तकलीफ़ हो जाएगी, कोई नई दिक्कत हो जाएगी, इसलिए ये मेरा कहना मान के आ गए थे। बस कहानी ये थी कि हाँ मेरे वजह से, मेरी खुशी के लिए ये हर काम करते हैं और कुछ नहीं। तो आप ऐसा ना सोचिए कि ये उस टाइम मेरे पास नहीं थे, मेरे साथ नहीं थे, मैं सच बताऊँ तो ये हर समय मेरे साथ थे। और मतलब जो जैसी मेरी फैमिली है वैसी भगवान सभी को दे, मायके वाली भी और ससुराल वाली भी। ठीक है, तो जी ये जो भी बात थी मैंने आज आपके साथ शेयर कर दी। और जब मैं आई थी यहाँ पे महेंद्रगढ़ में, तो कुछ टाइम बाद ही ये देवर जी मेरे से मिले नहीं थे, तो ये भी अपना मेरे से मिलने के लिए आ गए, और यीशु के पापा भी, ये दोनों जने आ गए थे। ठीक है, और हाँ
आप लोगों से मुझे एक बात करनी थी कि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, मेरे वीडियोस देखते हैं, और एक बात आप हमेशा भूल जाते हैं, लाइक भी कर देते हैं पर आधी बार लाइक करना भूल जाते हैं, और सब्सक्राइब करना तो पक्का ही भूल जाते हैं। जितने लोग देखते हैं ना उसके अकॉर्डिंग सब्सक्राइब तो 25% ने भी नहीं कर रखा, ठीक है? तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप लोगों को, और मैं काफ़ी अच्छी हो चुकी हूँ और होने वाली हूँ, ये देखिए, और इतनी बड़ी बीमारी से निकली हूँ तो आपके कारण ही निकली हूँ। आप लोगों ने मुझे इतना हौसला दिया, मैंने कई वीडियोस देखे, मतलब भाई ने मेरे को बताया, रेणु जी ने बताया कि मेरे ऊपर वीडियो बना रहे हैं और काफ़ी अच्छे अच्छे बना रहे हैं, तो उन सबको थैंक यू, और बस आपका ऐसे ही प्यार चाहिए। मेरा जो जितने भी मेरे व्यूवर्स हैं, जितने भी मतलब मुझे जितने भी लोग चाहते हैं उनके लिए थैंक यू, आप लोगों की वजह से ही ये ज़िंदगी मिली है दोबारा, नहीं तो भगवान सबको मौका नहीं देता, पता है मुझे। और मैं थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा लकी हूँ, जैसे मुझे आप लोगों का प्यार मिला और भगवान का आशीर्वाद मिला, थैंक यू। तो जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर। जो दिल की बात थी वो कर ली, मन का जो भार होता है ना वो उतरना ज़रूरी होता है, तो बस आज मन का भार उतर गया, ठीक है? मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना।